हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माइन एसपी ब्लॉग्स में। तो आज हम एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो, और आज का हमारा वीडियो जो है वह रहेगा माइन मास्टर के रिगार्डिंग। मैं आज वीडियो बनाऊंगा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंट्रो कैसे बना सकते हैं अपने काइन मास्टर के माध्यम से। तो चलिए बिना देर किए, वीडियो लंबी न हो, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन और हम अब इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं इस प्रकार मेरा काइन मास्टर, चूँकि ऑलरेडी लॉगिन था तो मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक अपना इंट्रो बना रखा है, देख रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यह मेरा चैनल है परिवर्तन तक न्यूज नेटवर्क, और अपने चैनल के नेम से जो है मैंने एक इंट्रो बनाया था। हालांकि ये बहुत सिंपल सा इंट्रो है, आप कैसे बनाओगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया था, कल मैं उसको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे और कितनी मेहनत के बाद जो है इसको बनाया था। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे एनिमेशंस फीचर्स हमने इसमें ऐड किए थे, जिसके बाद जो है हमारा ये बनकर कंप्लीट हुआ था। जैसे मैं यहाँ चला करके मैं इसको दिखाता हूँ, आप देखियो। आप देख लिए। अब चलिए, यदि आपको भी ऐसे ही बनाना है तो हम लेकर के चलते हैं आपको। सबसे पहले आपको एक नई पेज लेना होगा, आपको जो भी इंट्रो बनाना है क्रिएट न्यू में जाना है। यूट्यूब के साइज़ का बनाना है तो यहाँ से यूट्यूब को करना है। रील के साइज़ का बनाना है, यहाँ पर रील। इंस्टाग्राम के साइज़ का इंट्रो बनाना है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लिक कर। यूट्यूब पर काम करते हैं तो आपको यूट्यूब इंट्रो बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे फाइनली हमारा पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद हम यहाँ से एक वाइट कलर का पेज ले लेंगे और इसको अपने इंट्रो के मुताबिक थोड़ा लंबा चौड़ा कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं 7 सेकेंड का ऑलमोस्ट कर लिया हूँ। अब ये इससे बड़ा नहीं यार। इसके बाद यहाँ आ गए, अब यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। आप चाहो तो इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी मर्जी। यहाँ से फिर अपने हाथ से कलर बना सकते हो, यहाँ से आप 3 इफेक्ट वाला कलर बना सकते हो। बहरहाल मेरा वाइट कलर ही सही है तो मैं वाइट कलर ही रखूँगा। आप यहाँ पे यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा आप डार्क भी कर सकते हो, यहाँ से पेज को एडजस्ट कर सकते हो इसके लाइटिंग वगैरह इफेक्ट वगैरह में। तो ये चीज़ आप एक पेज ले लिए, इसके ऊपर आपको एक और पेज लेने हैं। तो आपको लेयर पे जाना है, और लेयर पे जाने के बाद जो है मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद यहाँ जाकर एक ब्लैक कलर का पेज ले लेना है, और ब्लैक कलर का पेज लेकर के इसको पूरी साइज भर कर देना है और इसको ढक देना है पूरी तरह से। अब यह क्यों लिए, चूँकि लेयर में जाने के बाद आप इस पेज में इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम नीचे, और नीचे आके ब्लेंडिंग में आएंगे। ब्लेंडिंग में आकर के आप यहाँ पे जो है हार्ड लाइट चूज कर सकते हो, और यहाँ से देखो आप अपने मुताबिक जो है आपको इसको चेंज करोगे। हालाँकि ब्लैक शीट पर अच्छा लगता है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अब आया हमारा कि इसमें हम इफेक्ट वगैरह कैसे डालेंगे इस पेज के ऊपर। तो आप यहाँ पर लेयर पर जाना, लेयर पर जाने के बाद स्टिकर पर जाना, और देखिए हम यहाँ पे कई सारे इफेक्ट को जो है डाउनलोड कर चुका हूँ। यदि आपको और इफेक्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार का जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट ले सकते हो काइन मास्टर से। बहरहाल हमारे पास बहुत सारा इफेक्ट है, जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बताया हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमें लाइट पॉइंट लेना है, तो हम यहाँ से अपना पहले लाइट पॉइंट लेते हैं। देखो ये ऐसे चलेगा, ये लाइट पॉइंट होता है हमारा। तो यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार जो है हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और लाइट पॉइंट को जो है हम पूरी वीडियो में लगाएंगे तो यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पर, यानी कि ये बस इतना ही चलेगा। तो हम इसको एज लाइक छोटा छोटा टुकड़ों में जो है काट लेंगे, ताकि हमारा इंट्रो जो है परफेक्ट दिखे। आप देख सकते हो ऐसे हम इसको क्रॉप कर लेंगे। देखो अब मैं चला करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कितने अच्छा जो है यह, देखो आप चल रहा है ये। अब इसमें और भी आपको यदि इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ पे आओगे। आपने पहले मेरा जो इंट्रो देखा, आप कहोगे उससे ऐसा इफेक्ट कहाँ से डालेंगे, तो आप यहाँ पे आकर के यहाँ पर क्लिक कर सकते हो।
देखो आप, ये देखो इस प्रकार से। हालांकि ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है तो मैं ये चीज़ नहीं लेता हूँ, इसको लेता हूँ मैं। देख रहे हो आप कि कितना अच्छा दिखेगा आपको। या ये वाला हो गया, मैं ये इसको ऐड कर लेता हूँ पहले इसमें। देख रहे हो, इसको भी हम बड़ा कर देंगे। देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे और कितनी मेहनत के बाद जो है इसको बनाया था। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे एनिमेशंस फीचर्स हमने इसमें ऐड किए थे, जिसके बाद जो है हमारा ये बनकर कंप्लीट हुआ था। जैसे मैं यहाँ चला करके मैं इसको दिखाता हूँ, आप देखियो। इस प्रकार से जो है हम अपना वीडियो का इंट्रो बना सकते हैं।